तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कि हीरो ब्राइन ने जादुई बॉर्डर लगा के जाइंट एलेक्स को ट्रैप कर लिया था ताकि वो यहाँ से निकल के लोगों को जिंदा ना खा पाए। लेकिन इतने में हम लोगों को जंगल में एक आदमी दिखता है जो बिल्कुल बूढ़ा था और हम लोगों ने उसका पीछा करा, लेकिन उसका एक घर था और वो भी जंगल में। लेकिन उसने हम लोगों को नल के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई जिसको सुनकर हमारे पैरों से जमीन खिसक गई। मतलब उसने हमें बताया कि नल की सारी पावर्स को डीएक्टिवेट किया जा सकता है और उसने हमें लोकेशन भी बताई थी और मैंने और हीरो ब्राइन ने नल की सारी पावर्स को डीएक्टिवेट कर दिया था। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने नल की सारी पावर्स और शक्तियों को डीएक्टिवेट कर दिया था और अब वो हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन दिक्कत ये है कि NTT 303 और उसका भाई NTT 606 उसके साथ हैं और ये दोनों इतनी खतरनाक हैं कि किसी भी टाइम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हीरो ब्राइन का प्लान ये है कि सबसे पहले हमें नल को पकड़कर किसी ऐसी जगह बंद करना होगा जहाँ से वो वापस ना आ पाए और ये बहुत ही खतरनाक काम है। और इस काम को करने के लिए सबसे पहले हमें नल को इन दोनों से अलग करना होगा। और हीरो ब्राइन, आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि काफी साल पहले हम दोनों ने मिलके जो वादा किया था कि माइनक्राफ्ट के अंदर जितनी भी खतरनाक और बुरे एंटिटीज हैं हम दोनों मिलकर उनको खत्म करेंगे, और वो टाइम आ चुका है क्योंकि हमने हुगलला एंड हुलालला को भी पकड़ लिया है और आज हम लोग नल को भी पकड़ लेंगे और उसकी पावर भी डीएक्टिवेट हो चुकी है। ओ, हीरो ब्राइन का मैसेज है, सबसे पहले हमें नल को अकेला करना होगा। ओ, लेकिन हीरो ब्राइन ये कैसे होगा? तो गाइस, हीरो ब्राइन का कहना है कि हमें सावधानी से काम करना पड़ेगा क्योंकि इस टाइम हम आधी से ज्यादा जंग जीत चुके हैं और इस टाइम वो लोग भी बहुत ही गुस्से में हैं। हमें सबसे पहले कुछ ऐसी जगह देखनी होगी जहां पर हम लोग नल को रख पाए और उसके बाद NTT 303 और उसके भाई NTT 606 को भी उड़ा देंगे। लेकिन हीरो ब्राइन, अभी मुझे लगता है कि यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि NTT 303 रेड स्टोन से पता नहीं क्या कर रहा था, कहीं वो नल की पावर्स को वापस तो एक्टिवेट नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस बंदे ने हमें कहा था और हीरो ब्राइन ने भी उस जगह को सील कर दिया था जहां पर हमने नल की पावर्स को लास्ट एपिसोड में डीएक्टिवेट करा था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक जगह पर। तो गाइस, अभी तो हम लोग घर पहुंच चुके हैं क्योंकि हमारा दोस्त जिन यहाँ पे अकेला है और उसे भी ये सब बातें हमें बतानी पड़ेंगी ताकि वो भी चौकन्ना रहे। जिन, सुनो, हम लोगों ने नल की सारी पावर्स को डीएक्टिवेट कर दिया है, बस तुम यहाँ से बाहर मत निकलना क्योंकि NTT 303 पूरी कोशिश करेगा तुम्हें खोजने की ताकि वो हीरो ब्राइन और मुझसे बदला ले पाए। लेकिन तुम ऐसा कोई भी कदम मत उठाना और यहाँ से, ओ एक मिनट, तुम लोग उनको हल्के में मत लो, NTT 606 किसी भी टाइम कुछ भी कर सकता है। ओ, लेकिन जिन तुम भूल रहे हो, अगर NTT 606 कुछ भी कर सकता है तो हमारा हीरो ब्राइन उससे ज्यादा कुछ कर सकता है। लेकिन तुम बस यहाँ से बाहर मत निकलना। लेकिन एक मिनट, ये क्या है? लगता है जिन भाई साहब अपने लिए खाना पका रहे थे। ओ, फ्राई एग भाई साहब, ये तो हीरो ब्राइन खाता है ना। चलो एक काम करते हैं, ये थोड़ा खाना उठा के बैग में डाल देते हैं क्योंकि कुछ भी हो सकते हैं हमारे साथ और हीरो ब्राइन को भी खिलाना पड़ता है। और देखो गाइस, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी करो क्योंकि 4 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं और इस सीरीज का सीजन 2 भी आएगा जो कि बहुत धमाकेदार होगा। और अभी तो हम लोग काफी दूर पहुंच चुके हैं और हीरो ब्राइन, अरे ये कहाँ चला गया? ओ, वो रहा। लगता है आज कुछ ज्यादा ही पंगेबाजी कर रहे हैं हीरो ब्राइन। आज हीरो ब्राइन का मूड कुछ बहुत ही खतरनाक लग रहा है मेरे को। लेकिन अभी मतलब हीरो ब्राइन ने मुझे चलवा चलवा के बहुत ही थका दिया है और अभी तक भी इसको कोई जगह नहीं मिली जहां पर हम मतलब कुछ ऐसी जगह बना पाए जहां पर हम नल को रखें और किसी को भी पता ना चले और वो पूरी जिंदगी उस जगह में बंद रहे। ओ भाई साहब, अब मुझे लगता है तैर के जाना पड़ेगा। तो गाइस, मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारा हीरो ब्राइन ना बहुत ही जुलमी है। उसको स्टीव के नन्हे पैरों का भी ख्याल नहीं है कि बेचारा थक चुका होगा। लेकिन एक मिनट, लगता है ये वाली जगह हीरो ब्राइन को, ओ ये क्या, ओ ये तो जाइंट एलेक्स है। हीरो ब्राइन, क्या तुम इसी जगह पे नल को ट्रैप करो। ओ नहीं, वहां पर देखो जरा,
वहाँ पर सामने की साइड देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। हीरो ब्राइन, ये तो हम उसी जगह पे आ चुके हैं जहाँ पर लास्ट एपिसोड में तुमने अपनी पावर से, शक्तियों से एक बाउंड्री लगाई थी आग वाली, जिसकी मदद से ये जायंट एलिक्स इसके अंदर। ओ, मैंने डॉगी को भी मार दिया बेचारे को, लेकिन छोड़ो। और मुझे लगता है गाइस ये जायंट एलिक्स यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, और हीरो ब्राइन ने जो बाउंड्री लगाई थी ना अपनी पावर से, वो उसको बाहर जाने ही नहीं दे रही। और ये जो आग हमने लास्ट एपिसोड में लगाई थी हीरो ब्राइन ने, ये हमें तो नजर आ रही है लेकिन उसको नजर नहीं आएगी, क्योंकि ये हीरो ब्राइन की पावर है। और देखो गाइस, अगर ये यहाँ से बाहर निकलने में ओ हीरो ब्राइन, तुम कहाँ पे जा रहे हो? भाई साहब, मुझे लगता है हीरो ब्राइन आज गुस्से में है और इसको मार ना डाले कहीं। लेकिन ओ हीरो ब्राइन प्लीज इसको मत मारो, हीरो ब्राइन प्लीज इसको मत मारो, हीरो ब्राइन प्लीज वापस आ जाओ, क्योंकि मुझे लगता है ये हमारे प्यारे दोस्त एलेक्स की आत्मा हो सकती है जिसको एंटिटी 303 और नल ने बेरहमी से मारा था। और गाइस ऐसा हो सकता है ना, अगर आपको पता है तो कमेंट में बताना। फाइनली हीरो ब्राइन ने बहुत बढ़िया किया कि वो वापस आ चुका है और मेरी बात उसने मानी। हीरो ब्राइन देखो, हमें इसको अभी नहीं मारना चाहिए, बस इसको ट्रैप करके रखना चाहिए। और चलो, मुझे लगता है कि ये हमारे दोस्त एलेक्स की आत्मा हो सकती है जिसको नल ने बुरे तरीके से मार दिया था। तो फाइनली गाइस, हम लोग अपने वर्ल्ड में काफी दूर आ चुके हैं, और हीरो ब्राइन का कहना है कि इस वाले एरिया के अंदर पिछले 100 साल के अंदर कोई भी नहीं आया। लेकिन एक मिनट, ये हीरो ब्राइन उस पहाड़ के ऊपर क्यों चढ़ गया? एक मिनट, मुझे भी जल्दी से। हीरो ब्राइन, क्या हुआ तुम यहाँ पे? ओ ये तो अंदर की तरफ जा रहे हैं, लगता है यहाँ पे कुछ हो सकता है। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ी टॉर्च लगाते हैं। हीरो ब्राइन के यहाँ पे रुकने का मतलब क्या हो सकता है, क्योंकि हीरो ब्राइन कभी भी ऐसे वैसे नहीं। ओ अच्छा, लगता है हीरो ब्राइन इसी जगह पे कुछ ऐसा बना रहा है जहाँ पर हम लोग नल को रख सकते हैं, और यहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता क्योंकि हीरो ब्राइन ने कुछ तो देखा होगा इस जगह पे। हीरो ब्राइन, क्या तुम नल को यहाँ पे ओ लगता है हीरो ब्राइन मुझे कुछ बताना चाह रहे हैं। बताओ हीरो ब्राइन, बताओ मुझे। तो गाइस, हीरो ब्राइन का कहना है कि इसी जगह पे मैं नल को रखूंगा, और यहाँ पे मैं जो चीज बनाने वाला हूँ ना, और बनाने के बाद जब भी हम नल को यहाँ पे रखेंगे तो फिर एंटिटी 303 क्या उसका भाई और खुद हम भी इसको नहीं छुड़वा पाएंगे यहाँ से। इतनी खतरनाक हीरो ब्राइन कोई चीज बना रहे हैं, लेकिन उसके लिए मुझे हीरो ब्राइन ने एक बहुत ही खतरनाक टास्क दिया है। मुझे जाना पड़ेगा नेदर पोर्टल के अंदर, और उसके लिए मैं वापस अपनी एक सीक्रेट बेस में आ चुका हूँ, जो आप लोगों को पता होगा कि जिन और मैंने बनाई थी। एक मिनट, मैं अपनी सॉर्ड से यहाँ पर टेलीपोर्ट करा हूँ, जो कि मेरे पास बहुत ही ओपी सॉर्ड है एक, और मैं कहीं से भी मतलब टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। लेकिन ये है हम लोगों की सीक्रेट बेस। एक मिनट, कोई देख तो नहीं रहा यहाँ पे, जिसके अंदर भाई साहब हमारी जान की हिफाजत करने वाला खजाना है, मतलब जो हमारी जान बचा सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ भी, ये देख सकते हो कितनी बारूद है यहाँ पर, इससे हम किसी से भी मतलब जंग लड़ सकते हैं। और ये है हमारा पोर्टल, और पोर्टल के अंदर मतलब हीरो ब्राइन ने मेरे को कहा है कि तुम जाओ नेदर के अंदर, जो आत्मा होती है ना उसके साथ लड़ो, मतलब गोस्ट, और जो टीयर होता है ना, मतलब जब हम गोस्ट को मारते हैं तो वहां से एक हमें टीयर या ऐसा कुछ हीरो ब्राइन कह रहा था वो मिलता है। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर लावे की कितनी बड़ी नदी है ना, अगर यहाँ से मेरा पैर स्लिप हो जाए तो क्या बनेगा मेरा, संभल के जाना पड़ेगा भाई साहब, बहुत खतरनाक काम है, क्योंकि मुझे नेदर की आत्मा से लड़ना है। लेकिन हीरो ब्राइन उस टीयर का, ओ एक मिनट, मैं ये कहाँ पे आ चुका हूँ, लगता है कोई महल है। एक मिनट, ओ ये तो पिघली ना चुके हैं। एक मिनट, मेरे पास सॉर्ड अच्छी है, थोड़ा खाना खा लूं। ओ, ओ मेरा गेम लैग कर रहा है यार, पता नहीं क्यों, कहीं इस सर्वर के अंदर कोई आग तो नहीं चुका। माय गॉड, ओके यहाँ पर थोड़ा सा खाना भी लपेट लेते हैं। भाई साहब गोल्डन के कैरेट मिल चुके हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है मेरे लिए। अब हमें यहाँ से रिपू चक्कर होना पड़ेगा, क्योंकि एंटिटीज, ओ एक मिनट, लगता है यही आत्मा है, और ये बहुत ही खतरनाक है गाइस, मुझे सावधानी से इसके साथ लड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास आर्मर तो अच्छा है लेकिन मुझे इसको मारना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से एक टीयर मिलता है जिसकी मदद से हीरो ब्राइन जादू करेगा उस जगह पे, जिसकी मदद से मतलब नल वहां से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन एक सेकेंड यार, ओ गया गया, मर गया भाई साहब, मेरी सॉर्ड में से जो आग का गोला निकलता है ना वो उसको लगा। एक मिनट, ओ ये रहा गोस्ट टीयर, मुझे लगता है कि यही है, एक और हमें चाहिए। ओ यहाँ पर एक और भी आत्मा है, बहुत ही बढ़िया। ओ भाई साहब, ये तो लगता है सो रही थी, मैंने बेचारी को मार दिया।
लेकिन बढ़िया बात है, मुझे दो मिल चुके हैं। अब हमें यहाँ से वापस जल्दी निकलना पड़ेगा, यहाँ से तो रास्ता ही नहीं है। एक एक सेकेंड, मैं बहुत ही लकी हूँ कि वापस जा रहा हूँ, नहीं तो नेदर में से काफ़ी लोग इतनी जल्दी वापस नहीं जा पाते। और फाइनली गाइस, अब देखना पड़ेगा कि हीरो ब्रायन मतलब कैसे जादू करेगा। पता नहीं यार, हीरो ब्रायन के पास कितनी पावर्स है मुझे खुद ही पता नहीं है। और ये हमारी सीक्रेट बेस है, इसको दोबारा बंद करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर किसी को भी पता ना चले। और गाइस, मैं आप लोगों को बताऊं कि बहुत जल्दी हम सब एंटिटीज को मार के इस वर्ल्ड को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि इस वर्ल्ड में दोबारा हम लोग नहीं रहेंगे। ओ, लगता है हीरो ब्रायन मेरा इंतजार कर रहा है। और इस वर्ल्ड को छोड़ने के बाद हम लोग एक न्यू वर्ल्ड बनाएंगे इस सीरीज का सीजन 2। और ये मेरे पास सॉर्ड है, मैंने अपने आप को टेलीपोर्ट करा। वैसे ये सॉर्ड बहुत ही बढ़िया है। हीरो ब्रायन, ये लो, ये ही कुछ कहा था ना तुमने। अब देखते हैं हीरो ब्रायन क्या करता है। चलो भाई, हीरो ब्रायन ने तो ये उठा लिया। एक सेकेंड, हीरो ब्रायन या क्या बनाया है? ओ, ये क्या किया हीरो ब्रायन तुमने? आगे तो रास्ता बंद है ना। एक सेकेंड, लो, ओ हीरो ब्रायन, भाई साहब पता नहीं मुझे खुद ही डर लगता है हीरो ब्रायन के साथ, कभी कभी इसकी तबीयत खराब हो जाए। ओ भाई साहब, ये क्या है? हीरो ब्रायन कुछ बताओगे कि नहीं? यार हीरो ब्रायन, मुझे डर लग रहा है, तुम मुझे कहाँ पे लेके जा रहे हो? अंदर ही अंदर भाई साहब, इतनी नीचे लेके जा रहा है हीरो ब्रायन। अरे यार बात तो सुनो यार हीरो ब्रायन, हर बंदा तुम्हारी तरह बहादुर नहीं होता। ओ, यहाँ पर एक और लीवर लगाया हो, स्टिकी पिस्टन। भाई साहब, अच्छा मुझे लगता है नल को रखने के लिए। ओ हीरो ब्रायन, ये क्या बेडरूम का रूम किस लिए बना? एक मिनट, क्या तुम ये सोच रहे हो कि नल को इसी रूम के अंदर तुम बंद कर दोगे? हाँ, ओ भाई साहब, हीरो ब्रायन का प्लान है, कैसा कैसा सिस्टम बना दिया इसने यहाँ पर। एक मिनट, अब क्या करना है हमें? ओ क्या कह रहा है ये, क्या कर इधर देख रहा है मेरी, क्या करूं? ओ कि लगता है हीरो ब्रायन कह रहा है कि यहाँ से बाहर जाओ, ऐसा है हीरो ब्रायन? ओ तो गाइस, अभी हमें यहाँ से बाहर चलना पड़ेगा, क्योंकि हीरो ब्रायन यहाँ पर कुछ जादू बनाने वाला है, जिसकी मदद से ये जगह हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर सील हो जाएगी जब हम नल को इसके अंदर ले आएंगे। लेकिन वो बहुत ही बड़ी दिक्कत वाला काम है। अब पता नहीं हीरो ब्रायन, ओ हीरो ब्रायन आ गया। हीरो ब्रायन, अब क्या करना है हमें? ओ कहाँ पे जा रहे हैं अब? मैं तो बहुत थक चुका हूँ, इतनी भगाता है हीरो ब्रायन, खुद तो उड़ जाता है लेकिन मुझे चल के जाना पड़ता है। काश मेरे पास कोई ऐसी पावर होती। तो फाइनली गाइस, अभी हम लोग उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ पर नल और एंटिटी 303 और उसका भाई एंटिटी 606 हमें हमेशा मिल जाते हैं। लेकिन एंटिटी 303 कहाँ जा रहा था? हीरो ब्रायन, अब हम नल को यहाँ से कैसे पकड़ेंगे, क्या कोई तरीका है? तो गाइस, हीरो ब्रायन का प्लान है लेकिन बहुत खतरनाक है। हीरो ब्रायन का कहना है कि मैं जाता हूँ एंटिटी 606 के साथ लड़ने के लिए, मतलब मैं उसको थोड़ा सा मतलब छेड़ूंगा और वो मेरे साथ लड़ने के लिए मेरे पीछे आएगा। लेकिन मैं उन लोगों के साथ अभी इस टाइम लड़ूंगा नहीं, बल्कि वो लोग मेरे पीछे आएंगे और मैं तेज तेज भाग के उनको यहाँ से भगा के काफी दूर ले जाऊंगा, जो कि बहुत ही खतरनाक काम है भाई साहब। एंटिटी 303 और उसके भाई को पीछे अपने लगाना। हीरो ब्रायन देखो, सोच लो एक बार। हीरो ब्रायन देखो भाई, ये बहुत ही खतरनाक काम है गाइस। हीरो ब्रायन को हम लोग किसी भी हालत पे खोना नहीं चाहते, क्योंकि अगर हीरो ब्रायन को कुछ हो गया तो ये लोग जिन और मुझे कभी भी नहीं छोड़ेंगे और हम लोग इनका मुकाबला भी नहीं कर पाएंगे अकेले में। अब देखना पड़ेगा हीरो ब्रायन क्या करेगा। और जैसे ही ये लोग नल को मतलब हीरो ब्रायन के पीछे भागेंगे, मैं पीछे नल को। ओ हीरो ब्रायन ने अपनी लाइटिंग पावर का यूज करा। भाई साहब बहुत ही दिक्कत, एंटिटी 606 ने देख लिया उसको और वो भी हीरो ब्रायन के पीछे जा रहे हैं। ओ माई गॉड, अब क्या होगा? लेकिन एंटिटी 303 तो यही पे है ना। ओ भाई साहब, उसकी स्पीड चेक करो। ओ उसका भाई भी जा रहा है उसके पीछे। माय गॉड, हीरो ब्रायन अकेला है और ये दरिंदे हीरो ब्रायन से क्या? ओ एक सेकेंड, यहाँ पर नल अकेला हो चुका है और यही हीरो ब्रायन ने मेरे को कहा था कि मैं उन लोगों को काफी दूर ले जाऊंगा और पीछे से नल को तुम उस जगह पे जाके कैद कर देना जो हमने बनाई है। एक सेकेंड, कहीं नल के पास पावर वापस तो नहीं आ चुकी? गाइस आराम आराम से जाना पड़ेगा, कहीं इसको पता ना चले। लेकिन पता, अबे नल, ये ले, तू है ना वो जो अपने दोस्तों के साथ मिलके मेरे हीरो ब्रायन दोस्त को मारना चाहता था ना, अब तुझे कौन बचाएगा? कौन बचाएगा तुझे? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, बस मैं तुझे जो कहता हूँ कर, चुपचाप मेरे साथ चल, नहीं तो मारा जाएगा। चुपचाप चल, चुपचाप चुपचाप, नहीं तो आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तेरे पास पावर्स नहीं है और मेरे पास पावरफुल सॉर्ड है। तूने जितनी भी जुल्म की है ना हम लोगों पर, ये ले, तुझे सबका हिसाब देना पड़ेगा।
तेरे जैसे दरिंदे को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, बस चुपचाप तेरे पीछे चलता रहे। और तेरी वजह से हमने अपने प्यारे दोस्त एलेक्स को खो दिया था, और अब जो हम तेरे साथ करेंगे ना, तो जिंदगी भर याद रखेगा। और फाइनली मैं इसको लेके आ चुका हूँ, और इतनी मारा है ना मैंने, इतनी कोई डीट बंदा है कि इसने आवाज तक नहीं निकाली। बस मुझे आराम आराम से इसको कैसे भी करके उस रूम तक लेके जाना है जो बेडरॉक वाला हीरो ब्राइन ने बनाया था, और फिर ये पूरी जिंदगी वहां से, अरे इधर अंतरा, और ये पूरी जिंदगी का इस वहां से बाहर भी नहीं निकल पाएगा। और बस कहते हैं ना, हर बुराई का एक दिन अंत होता है, और इस बुराई का भी हमने अंत कर दिया। लेकिन गाइस मुझे बहुत ही टेंशन हो रही है, क्योंकि हीरो ब्राइन अभी तक भी वापस नहीं आया। कहीं ऐसा ना हो वो दोनों भाई मिलके हीरो ब्राइन को कुछ कर दें, देखना पड़ेगा। लेकिन एक मिनट, अरे क्या क्या देख रहे हैं, अंदर चल, सुबह से तेरे को कह रहा हूँ। और फाइनली गाइस इस वर्ल्ड की सबसे बड़ी शक्ति नल को हमने कैद कर लिया है, और इस रूम से वो दोबारा कभी भी बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि एक तो उसके पास पावर्स नहीं है, और दूसरा ये कि उस रूम के अंदर हीरो ब्राइन ने अपनी शक्तियों से कुछ ऐसा बनाया है किसी को पता भी नहीं चलेगा यहाँ पर। और अब बारी है एंटिटी 303 और उसके भाई की, और जब तक हीरो ब्राइन नहीं आता मुझे यहाँ पर रहना पड़ेगा। लेकिन गाइस क्या आपको लगता है कि जब हीरो ब्राइन आए तो हमें नल को मार देना चाहिए या उसे जिंदा रखना चाहिए? कमेंट में